ये कहानी एक ऐसे गरीब लड़के के ऊपर आधारित है जिसने अपने मेहनत और लगन से अपने गांव को भुखमरी से बचाया। अब वो ऐसा तो क्या करता है, ये हम आज की इस इंटरेस्टिंग मूवी में देखने वाले हैं। इस कहानी के शुरुआत में हमें साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव मांडवी को दिखाया जाता है, जहां पर गांव के लोग खेती कर रहे होते हैं और तभी वहां एक आदमी को दिल का दौरा पड़ता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इस आदमी का भाई भी यहां पर होता है जिसका नाम ट्राइवल है। ट्राइवल अपने भाई की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद यहाँ गांव के लोग सभी ट्राइवल के भाई की मृत्यु पर जो रिचुअल्स होते हैं उन सभी रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। ट्राइवल इसके बाद अपने घर आता है जहाँ पर उसकी पत्नी, उसकी बेटी और उसका बेटा रहते हैं। ट्राइवल के बेटे का नाम विलियम है जो कि बहुत ही होनहार है। विलियम को रेडियो ठीक करने का बहुत शौक होता है, इसीलिए वो हमेशा अपने दोस्तों और आसपास के लोगों के रेडियोस को ठीक करता है। विलियम अब जब स्कूल जाता है तो वहाँ पर प्रिंसिपल विलियम और उन सब बच्चों को लाइन में खड़ा कर कहते हैं कि अगर तुमने फीस नहीं दी तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। दरअसल विलियम के पिता की माली हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए बहुत वक्त से उन्होंने फीस जमा नहीं की। विलियम का क्लास टीचर, जो विलियम की बहन को पसंद करता है, वो विलियम से कहता है कि तुम्हें जल्द ही फीस जमा करनी होगी नहीं तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पर विलियम जानता है कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि वो फीस जमा कर सके। साथ ही विलियम बहुत ज्यादा पढ़ना चाहता है, जबकि विलियम की मॉम चाहती है कि विलियम अपने पिता के साथ खेतों पर काम करे। विलियम जब रात को पढ़ रहा होता है तो अंधेरा होने की वजह से वो अपनी मॉम से ऑयल मांगता है ताकि वो लांटेन जला सके, पर उसकी मॉम मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें पढ़ने के लिए ऑयल नहीं दे सकती, हमें घर के कामकाज के लिए ऑयल को बचा कर रखना होगा। अब अगले दिन स्कूल के बाद विलियम एक जंक यार्ड में जाता है जहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है। यहाँ पर उसे एक पंप और बैटरी मिलती है जिससे विलियम रात को पढ़ने के लिए अपने लिए बल्ब जलाना चाहता है। वहीं अगले दिन गांव में कुछ लोग आते हैं जो गांव के लोगों से कहते हैं कि हम तुम्हें पैसे देंगे, इसके बदले तुम्हारे खेतों में जो पेड़ है हम उन्हें काटना चाहते हैं, पर गांव का जो सरपंच होता है वो मना कर देता है। वो कहता है कि वो पेड़ हमें बाढ़ से बचाता है, अगर उन्हें हमने काट दिया तो हमारे खेतों में बाढ़ आ जाएगी। ट्राइवल भी उसकी बात से सहमत होता है, लेकिन बाकी जितने भी किसान होते हैं वो सब के सब उन पेपर्स पे साइन कर देते हैं जिसके मुताबिक वो लोग उनके खेतों से पेड़ काट सकते हैं, क्योंकि इस गांव में बहुत ज्यादा गरीबी है, सबको पैसों की जरूरत है और जल्द ही खेतों से पेड़ काटने का काम शुरू हो जाता है। वहीं विलियम रात को अपने पिता से कहता है कि मुझे अपने स्कूल के फीस के लिए पैसे चाहिए। विलियम के पिता कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हारी स्कूल की फीस नहीं भर सकता, तुम्हें फसल कटने तक का इंतजार करना होगा, उसी के बाद मेरे पास पैसे आएंगे, तब मैं तुम्हारी स्कूल की फीस भर सकता हूँ। विलियम इस बात से परेशान हो जाता है। अगली सुबह जब वो अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है तो वहाँ पर उसके क्लास टीचर की साइकिल होती है जिसमें एक लाइट लगी होती है। विलियम को उस लाइट की बैटरी की जरूरत है, लेकिन वो देखता है कि उस लाइट में बैटरी नहीं है बल्कि उसमें एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जो पहिया घुमाने से लाइट को चलाता है। विलियम को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये लाइट कैसे जल रही है। अब जब विलियम स्कूल जाता है तो विलियम के साथ उन सब बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है जिन्होंने पिछले कई महीनों से फीस नहीं भरी। विलियम किसी भी तरह से स्कूल पढ़ना चाहता है लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। साथ ही यहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो जाती है जिस वजह से विलियम के पिता के खेतों में पानी भर जाता है, उनकी पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है। विलियम के पिता इस बात से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा दिनों तक का राशन नहीं है, इसीलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, उन पैसों से मैं अपने पेड़ों को बचाना चाहता ताकि मेरे खेत पानी से बचे रहे। उसका दोस्त बताता है कि बहुत जल्दी सूखा पड़ने वाला है, केन्या में भी बाढ़ आ चुकी है, तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएंगे। विलियम के पिता को वहाँ से कोई मदद नहीं मिलती, इसीलिए वो निराश होकर वापस आ जाते हैं। जल्द ही यहाँ पर गर्मियों का वक्त आ जाता है, धरती पूरी तरह से सूख जाती है, यहाँ किसी भी तरह का कोई पानी नहीं है जो खेतों में डाल सके। वहीं विलियम फिर से एक बार जंक यार्ड में जाता है जहाँ पर उसे दो बैटरीज मिलती हैं, पर ये बैटरीज पूरी तरह से डेड होती हैं। वो किसी भी तरह से बैटरीज को ठीक करके उस पंप को जो उसे पहले मिला था उसे ऑन करना चाहता है ताकि गर्मियों में भी उसकी फसल को, उसके पिता के खेतों को पानी मिल सके। वो छुपके से स्कूल जाता है जहां वो क्लास खत्म होने के बाद अपने क्लास टीचर के पास जाता है और उससे पूछता है कि जो आपकी साइकिल में लाइट जलती है वो बिना बैटरी के कैसे जलती है। वो बताते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिक डायनामो है, पर विलियम के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक इलेक्ट्रिक डायनामो को खरीद सके, इसीलिए वो अपने टीचर से पूछता है कि क्या मैं इसे बना सकता हूँ। वो कहता है कि हाँ, लाइब्रेरी में इस तरह की किताबें हैं जिसे पढ़ने के बाद तुम डायनामो को बना सकते हो, पर अब विलियम को लाइब्रेरी में जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि उसने अपनी फीस नहीं भरी थी। इसीलिए वो अपने टीचर से कहता है कि मुझे आपका एक सीक्रेट पता है, आप मेरी बहन से मिलने के लिए आते हो और अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूं तो आपको मुझे लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दिलानी होगी। और अब उसकी टीचर को उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो विलियम को लाइब्रेरियन के पास ले जाते हैं और उसे लाइब्रेरी में आने की परमिशन दिला देते हैं। जब विलियम लाइब्रेरी में जाता है तो वहाँ एनर्जी से
रिलेटेड सारी किताबें होती है जिसकी मदद से वो इलेक्ट्रिक डायनेमो को बना सकता है। वहीं कुछ दिनों बाद इनके गांव में प्रेसिडेंट आते हैं और यहां का जो मुखिया होता है वो अपनी बात उनके सामने रखता है कि उन्हें पैसों की जरूरत है और यहां पर क्या क्या कमियां हैं वो उसे सब बताता है। लेकिन प्रेसिडेंट के लोग उसे पीछे ले जाकर बहुत बुरी तरह से मारते हैं क्योंकि उन्हें यहां के लोगों के सिर्फ वोट चाहिए होते हैं, उन्हें यहां के लोगों की तकलीफों से कोई भी मतलब नहीं है। विलियम के पिता समझ जाते हैं कि जो उन्हें करना है वो खुद ही करना है, उनकी मदद कोई नहीं करेगा। ये सब सोचकर विलियम के पिता परेशान हो जाते हैं। वो अपने खेत में जाकर अपनी फसल काटते हैं जो इस बार बहुत कम हुई होती है। इनके पास मात्र 2 महीनों का राशन है। 2 महीने के बाद ये खाने के लिए कहां से लाएंगे इन्हें कुछ नहीं पता। विलियम के पिता अपने घर के टीन की छत को निकाल कर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं जहां पर रेडियो में खबर आती है बहुत जल्द अनाज की कीमत बढ़ने वाली है क्योंकि देश में अनाज बहुत ही कम है। इस बात से सबके सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन सच तो ये होता है कि सबके सब गवर्नमेंट की चाल होती है, यहां पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार है, इसीलिए लोगों से झूठ बोलकर करप्ट ऑफिसर पैसे कमा रहे होते हैं। यहां पर विलियम के पिता उन लोगों के साथ चले जाते हैं जो ओपोजिशन पार्टी के होते हैं, जो सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं, उनके खिलाफ रैलियां निकाल रहे होते हैं। और जब वो चले जाते तो इनके गांव में 2 गाड़ियां आती है जिनमें अनाज होता है। ये सरकार ने यहां पर लोगों के लिए भेजे हैं जो बहुत ही कम दामों में अनाज दे रहे होते हैं। विलियम की मॉम विलियम को पैसे देकर अनाज लेने को भेजती है और जब विलियम अनाज लेने के लिए जाता है तो पीछे से कुछ लोग उनके घर पर आते हैं। जो अनाज उन्होंने अपने खेत से निकाल कर स्टोर किया था वो सब चुरा कर ले जाते हैं और अब इनके पास अनाज का एक भी दाना नहीं है। कुछ देर बाद विलियम वापस आता है जिसके पास कुछ राशन होता है और अब विलियम के पिता भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम दिन में एक ही बार खा सकते हैं, इस तरह से हम इस राशन को कुछ दिनों तक चला सकते हैं। विप का पूरा परिवार मजबूर है क्योंकि ना सरकार इन्हें कोई मदद दे रही है और ना ही बारिश हो रही है। एक रात को विलियम अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे टीचर से प्यार करती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे उसके साइकिल पे लगे डायनामो को मांग लो, उससे मैं मोटर पंप चलाऊंगा जिससे हम पानी को खेत तक पहुंचा सकते हैं। उसकी बहन उसके बात का कोई भी जवाब नहीं देती। अगले दिन जब विलियम लकड़ियां लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन घर छोड़कर चली गई है। उसके माँ बाप परेशान होते हैं। जब वो कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी बहन ने उसके लिए वहाँ पर डायनामो रखा होता है जो कि उसके टीचर के साइकिल पर लगा हुआ था, यानी कि उसकी बहन उसके टीचर के साथ घर छोड़कर भाग गई। अब विलियम अपने दोस्तों के साथ इस डायनामो को विंडमिल के साथ जोड़ता है और उससे रेडियो चलाता है जिससे सबके सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद सबके सब जंकयार्ड जाते हैं, वहां से बहुत सारे सामान को लाते हैं और विलियम को पानी की मोटर चलाने के लिए एक बड़ी विंडमिल की जरूरत है और उसके लिए साइकिल की। इसीलिए वो अपने पिता के पास जाता है और उन्हें अपनी छोटी विंडमिल से और डायनामो से एक रेडियो चलाकर दिखाता है। उसके पिता कुछ समझ नहीं पाते और इसके बाद विलियम अपने पिता को बताता है कि मैं एक बड़ी विंडमिल बनाना चाहता हूँ जिससे मैं पानी की मोटर को चलाऊंगा और हम हर मौसम में अपने खेतों में पानी दे सकेंगे। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी साइकिल की जरूरत है और एक बार अगर आपने साइकिल दी तो वो साइकिल आप कभी नहीं चला पाओगे क्योंकि उसे काटना होगा। ये सुनकर विलियम के पिता को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके विंडमिल को तोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब फालतू के काम करते हो, आज के बाद तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे। और अब विलियम अपने पिता के साथ उनके खेतों में काम करता है। विलियम उसके पिता और पूरे गांव वाले भूख से परेशान थे, इसीलिए जब विलियम घर जाता है तो देखता है कि उसके सभी दोस्त गांव छोड़कर जा रहे हैं। वो उनसे कहता है कि हमें यहाँ पर रुकना होगा, हम एक बड़ी विंडमिल बनाएंगे जिससे हमारे खेतों को हर मौसम में पानी मिलेगा और हम हर मौसम में फसल को उगा सकेंगे। विलियम अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार फिर से अपने पिता के पास जाता है। विलियम के दोस्त विलियम के पिता से उनकी साइकिल मांगते हैं लेकिन वो उन सबको वहाँ से भगा देते हैं। वहीं विलियम की मॉम को पता चलता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। साथ ही विलियम का डॉग भी मारा जाता है क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया होता है और भूख के वजह से उसकी मृत्यु हो गई होती है। विलियम अपने डॉग की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी होता है। विलियम के पिता को भी समझ में आ चुका है कि अब उन्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा, इसलिए वो विलियम के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मोटर पंप से पानी निकाल सकते हो जिसके लिए तुम्हें मेरी साइकिल की जरूरत है तो तुम मेरी साइकिल ले सकते हो। और इसके बाद विलियम अपने पिता की साइकिल को ले जाकर उसे कटवा देता है ताकि उससे विंडमिल का हिस्सा बनाया जा सके। साथ ही गाँव वाले सब मिलकर विंडमिल बनाने की तैयारी करते हैं। बड़ी बड़ी लकड़ियां लगाकर ये एक बड़ी विंडमिल बनाते हैं जिसके साथ साइकिल को जोड़ दिया जाता है और जब विंडमिल का पहिया घूमता है तो उससे साइकिल का पहिया भी घूमता है जो डायनामो के साथ जुड़ा हुआ होता है। और अब वो उस डायनामो से बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं। सबके सब खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं और जब सब खेतों में काम कर रहे होते हैं तो बैटरी चार्ज हो जाती है जिससे पानी की वो मोटर जिसका पाइप कुएं के अंदर डाला गया था वो ऑन हो जाता है। और अब खेतों में काम करते हुए लोग देखते हैं कि खेतों में पानी आना शुरू हो गया है जिससे सबके सब बहुत खुश होते हैं। ये एक ऐसा काम था जिससे किसी को
कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन विलियम ने अपने आत्मविश्वास से, अपनी मेहनत और लगन से इस काम को पूरा कर दिया। विलियम के पिता विलियम को गले से लगा लेते हैं। कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि विलियम के पिता के खेतों और बाकी सभी के खेतों में फसल उगना शुरू हो गई है, यानी कि विलियम के वजह से अब ये किसी भी मौसम में फसल उगा सकते हैं। विलियम एक बार फिर से विंडमिल के ऊपर जाता है और वहाँ से वो पूरे गाँव के खेतों को देखता है। जल्द ही ये बात सबको पता चल जाती है और जब ये बात विलियम के स्कूल में पता चलती है तो उसे लाइफ टाइम की स्कॉलरशिप दी जाती है, यानी कि वो बिना पैसों के हमेशा स्कूल जा सकता है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।